नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। कृषि कानूनों को रद्द कर रहे किसानों को लेकर सरकार और बीजेपी तरह तरह के बयान दे रही है। कभी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेता उन्हें बताया जा रहा है तो कभी खालिस्तानी अराजकता फैलाने वाले उन्हें बोला जा रहा है। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि पिछले 24 दिनों से किसान कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। कई महिलाएं बच्चे भी उसमें शामिल हैं, वे बस अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनको जो डर है अपनी किसानी को खत्म होने का, उसी हक की मांग कर रहे हैं। बस भरोसा चाहते हैं कि उनकी उपज का उन्हें सही दाम मिलेगा। लगभग महीने भर से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अगले किसान क्रांति का हिस्सा बनने को कहा है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि 3 नए कृषि कानूनों पर जारी आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोई समाधान नहीं खोज पाती है तो किसान इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपना रास्ता खुद ही बनाने के लिए मजबूर होंगे। यानी कि साफ कह दिया है कि यदि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल नहीं कर पाती है तो फिर किसान अगले आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। किसानों का यह आंदोलन 24वें दिन भी आज जारी है और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और साथ ही सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो किसानों का जो आंदोलन है उसके जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बात सामने आ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें किसान कम है बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता काफी ज्यादा हैं। और इसी के साथ में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता नरसिंह पाल जी। स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी आपके लिए भी धन्यवाद पूजा जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और आप भी देख रहे हैं सर, लगातार कृषि कानूनों की मांग आप कर रहे हैं, रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। अब आगे की आपकी रणनीति क्या हो सकती है? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, देखो अन्नदाता आंदोलन को और तेज कर रहे हैं और अपना प्रयास आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार आंख बंद करके बैठी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, तकातेर भाजी तकातेर साजा। एक तरह जो खड़े पल्ले तुल रही है, जो गांव की भाषा में कहते हैं, अपना मर्जी से चल रही है सरकार। सर्दी हो जाड़ा हो, कोई मरे कोई जिए, उसको कोई परवाह नहीं है। लगभग 24 दिन में हमारे देश के 20-22 भाई हमारे जान गंवा चुके हैं, बहुत ही पे चुके हैं इस आंदोलन में। और नरसिंह जी ये भी बात है कि अब तो किसानों का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, एक हल क्रांति की ओर ये अग्रसर हो रहा है। राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है, चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन कृषि कानूनों को लेकर कोई कड़ा फैसला नहीं सुना पाती है, कोई सही कदम नहीं उठा पाती है तो फिर किसानों का ये आंदोलन अगले चरण में होगा। जी बिल्कुल, देश के चारों तरफ इस चीज को समझ रहे हैं, सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है, फरेब कर रही है, नहीं सुन रही इनकी। जिसको भी लाते हैं वो इसी तरीके से अपनी मनमानी करता है। आप पिछले रिकॉर्डों को देख लीजिए, किसी ने आज तक भला नहीं किया। और ये सरकार जो बार बार ये लगा रहे हैं आरोप के, ये विपक्षी बहका रहे किसान क्या मूर्ख है, इनसे कम पढ़ा लिखा है या कौन सी बात को नहीं जानता। चलो ठीक है, उसने धंधा अपना दूसरा अपना रखा है, वो खेती में रहता है, वो अपने फटेहाल में रहता है, उसने अपनी इच्छाओं का दमन कर रखा है, तो उसका ये नाजायज फायदा उठाएंगे। ये भी है सर कि जिस तरीके से अभी पीएम मोदी ने कल ही गुजरात से किसानों को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि ये कृषि कानून इसलिए लेकर आए हैं ताकि जो भारत की कृषि है उसमें सुधार हो। मेरी जानकारी ये पहली सरकार है, प्रशंसा तो सभी करते हैं अपनी, पर ये बिल्कुल छाती ठोक कर ये कह रही है सरकार के जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा अपने हाथ से अपने आप ही इनाम ले रहे हैं, मेडल भी अपने आप ही ले रहे हैं। इंसान पर किसान नहीं चाहता कानून, ये कितना बड़ा देश की संसद पर खर्चा पड़ता है, बहस कराने के लिए चुनकर जाते हैं, कितने कितने बड़े सिक्योरिटी लगती है इनके लिए, क्या क्या सुविधाएं सरकार के खाते से कटती है, हमारे पैसे से कटती है, कई कई पेंशन भोग रहे हैं ये लोग, और आज तक कभी इतनी बड़ी चर्चा इन्होंने आने जाता के कभी कोई पटल पर कराई हो, कौन सा बिल लेकर आए, क्या मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार हो, कभी
कोई काम नहीं किया इन्होंने, और आज खुली बहस हो रही है सड़क पर, किसान अपनी बहस खुद कर रहा है। आज 20-25 दिन से उसकी संसद दिल्ली के चारों तरफ रोडों पे चल रही है या देश के कोने में चल रही है, वो अपनी संसद खुद चला रहा है, उसमें कभी बात जी नरसिंह पाल जी, आपके बिल्कुल आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं। वसीम हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन न्यूज पर। हेलो हेलो सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है सर, स्वागत है आपका इन न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ में किसान नेता भी जुड़े हुए हैं नरसिंह पाल जी, वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो इनके हित में नहीं है। देखिए, ये कौन कह रहा है कि ये जो कानून आया है वो किसानों के हित में नहीं है? ये हम साफ और तो किसान ही कह रहे हैं सर, आपको नहीं पता, किसान ही कह रहे हैं कृषि कानून हित में नहीं है। कि जो ये कानून आया है बिल्कुल किसानों के हित में है, इसी कानून की मांग लगातार किसान करते आए हैं, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और इस सरकार ने इसको इस फाइल को ऊपर उठाया और इसको किसानों के हित में इसे लागू किया। उसके प्रदर्शन क्यों हो रहा है सर? बात तो यही कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है? मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। किसान भाई लगातार इस चीज को मांग करते थे, उसके बाद वो कहते थे कानून में संशोधन हो। जब सरकार ने किसानों के हिसाब से संशोधन कर दिया तो ये किसानों के विरोध में कैसे है? एकदम से ये कह देना कि ये कानून किसान विरोधी है, ये कोई बात नहीं बनती ना। जो इसमें जो तथ्य या जो प्रावधान इसमें गलत थे, उस प्रावधान को हमने ठीक किया। और देश के प्रधानमंत्री, जिसको इस देश ने बहुत बड़ी बहुमत के साथ देश में एक स्पष्ट सरकार बनाई है, जो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी करती आएगी, और ये सरकार जो है किसानों की सरकार है और किसानों के वोट से बनी सरकार है। हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और कौन लोग इसको गुमराह कर रही है हमें नहीं पता। नाकाम साबित क्यों हो रही है सरकार किसानों को समझाने के लिए? 24 दिन हो चुके हैं सिंघू बॉर्डर पर किसान हैं। देखिए सर, किसानों को समझाने के लिए देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खुला पत्र लिखा है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसानों को इस कानून से क्या क्या लाभ हो सकता है। और उसके अलावा जो जो मांगे थी किसानों की, जो जो डिमांड थी संशोधन के लिए, वो सभी पे सरकार सहमत है। फिर कमी कहाँ है सरकार की? सर आप ये बता दीजिए कि जो कानून बीजेपी सरकार केंद्र सरकार लेकर आई, उसके फायदे क्या हैं किसानों को? जी सरकार ये जो कृषि कानून लेकर आई, उसके फायदे क्या हैं? ग्राउंड लेवल पर तो बीजेपी जिस तरीके से आंदोलन भी कर रही है और साथ ही किसानों को समझाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। आप अभी भी हमारे साथ में किसान नेता जुड़े हैं नरसिंह पाल जी, आप उनके सामने ये उनको समझा दीजिए कि जो कानून आप लेकर आए हैं उनसे किसानों को क्या फायदा होगा? मैं एक बात कहता हूं कि किसानों की ही मांग रही ना कि एमएसपी को लिखित में दे दीजिए। हम एमएसपी लिखित में दे रहे हैं ना, किसानों की ही पहले मांगे आती रही है बहुत पहले समय से, आज से नहीं, ये पुरानी मांग रही किसानों की कि हमें सरकारी मंडियों के अलावा खुला बाजार मिलना चाहिए, जहाँ किसान को ज्यादा फसल का मूल्य मिले तो बेचने के लिए सक्षम हो। सरकार ने उसी मांग को दोहराया, सरकार ने खुली मंडी दी, विकल्प के तौर पर दी है जो पुरानी मंडी व्यवस्था। किसानों को शिकायत ये है कि अगर सरकार कृषि कानूनों को लेकर आ रही थी तो एक बार उनसे बातचीत कर लेती, एक बार उनसे जो भी किसानों की मांगे थी उनको मान लेती, उसके बाद ही ये कानून लेकर आती तो हो सकता है शायद आज ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं छिड़ता। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि इस कानून की मांग लगातार जो है किसानों की तरफ से आज से नहीं, दशकों से ये मांग चली आ रही थी कि किसान बिल में किसानों के लिए ये सुविधाएं दी जाए, किसानों को खुली मंडी दी जाए, एमएसपी को मजबूत किया जाए, एपीएमसी एक्ट। आपने पहले भी समझा दी, बीजेपी के कई नेता बोल चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि किसानों की मांग थी इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बात यही है कि आंदोलन कब तक खत्म होगा, कब बीजेपी कोई सही से जो कदम है वो उठा पाएगी? किसान सड़कों पर है, इतनी ज्यादा ठंड है, क्या सरकार को उनकी परेशानी नजर नहीं आ रही है? मुद्दा ये है कि किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा? देखिए हम तो रोज रोज कहते हैं, हम तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि किसान भाई हमारे आंदोलन खत्म करें। हम जो है आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, सरकार से बिल में संशोधन करने के लिए भी तैयार है, तो आप बताइए सरकार की कमी क्या है? अब तो ये किसान एक ये भी परेशानी है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने गुजरात के किसानों को संबोधित किया था, उसी तरीके से अगर पीएम मोदी पंजाब हरियाणा के किसान और जो कि वहां पर सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन कर उन किसानों को संबोधित करते तो शायद कोई हल निकल पाता।
सवाल दोबारा करिए, आवाज नहीं आया। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसानों का ये भी कहना है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात के किसानों को संबोधित किया था, वहां पर जाके उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, अगर उसी तरीके से पंजाब हरियाणा के किसानों को संबोधित किया जाता तो शायद ये मुद्दा हल हो सकता था। प्रधानमंत्री ने कल किसानों को बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उसके अलावा पहले किसान की ही मांग थी ना कि सरकार लिखित में दे दे, तो सरकार ने लिखित में दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने आप पे दिया ना। अगर देश का कोई कृषि मंत्री किसानों के हिसाब से अमेंडमेंट करता है, उनके प्रावधानों में चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के विश्वास में ही काम कार्य हो रहा है ना। ये कार्य सारा ऐसा कुछ नहीं है, तो किसानों के हिसाब से संशोधन हो गया तो उसमें बात किसानों की मांग थी कि संशोधन कर दे, लिखित में दे दे, तो हमने लिखित में भी दिया, संशोधन भी किया। नरसिंह पाल जी, वसीम रजा जी तो यही कह रहे हैं कि जो कानून लेकर आई है सरकार वो किसानों की ही मांग थी। मैं कह रहा हूँ पूजा जी कि पहली कोशिश मांग है हमारी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या कानून घोषित कर दिया। वो बोल रहे हैं कि लिखित में सरकार देने के लिए तैयार है, सरकार ने साफ कह दिया है। लिखित में दे रहे हैं तो फिर उसको कानूनी अमल पहना देना, उसके लिए धारा तैयार करें, नाट तैयार करके संविधान में स्थान मिले उसको, जो न्यूनतम समर्थन जारी रहेगा, और क्या मंडी में हो या किसान के घर पे खरीदे कोई जा या बाहर खरीदे, यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उससे उसके पाल की थोड़ी नीचे व्यक्ति करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, दंडनीय अपराध होगा, झूठ का मुकदमा होगा उसका। ये प्रावधान करे ना, कहने में करने में तो बहुत फर्क है। ये बात कल पीएम मोदी ने कही है कि उन्हें एमएसपी पर ही किसानों को जो है फसल मिलेगी, अगर ऐसी नहीं मिलती है तो फिर वो चाहे तो शिकायत कर सकते हैं, खुद एसडीएम इस मामले में संज्ञान लेंगे। मैं छोटा सा किसान, बहुत छोटा सा किसान, ज्यादा नहीं आपको, मेरे पास आज भी 10-20 क्विंटल मक्का पड़ी है, थोड़े मैदान में पड़ी है, मेरे भाई साहब हैं तो मेरी भी खरीदवा दे। मैं धन्यवाद दूंगा रविशंकर प्रसाद जी से, बिहार के किसान की वो भी खरीदवानी चाहिए है, सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान लेते हुए। मैं कौन सी मंडी में फेंकू, कौन से गड्ढे में फेंकू इस मक्का को, एमएसपी नहीं मिली, 800-900 रुपए क्विंटल के व्यापारी लगा रहे हैं इसको, आज भी मक्का पड़ी है, ले जाए ये मेरी बिकवा दे मेरी। मैं फोन नंबर लिखवा रहा हूँ, जगह लिखवा रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ भैया से, अगर एमएसपी मिल रही है तो। जी बिल्कुल जी, वसीम रजा जी, नरसिंह पाल जी कह रहे हैं कि उनकी भी फसल पड़ी हुई है, चाहे तो सरकार उनकी फसल को जो भी है वो बिकवा दे, क्या कहना चाहेंगे? आवाज पहुंच पा रही है? और इसी के साथ में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ में किसानों की समस्या भी बढ़ रही है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, किसानों की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की ठंड में भी किसानों का जो हौसला है वो बुलंद है और लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन सरकार नाकाम साबित हो रही है। किसानों को कानून चाहिए एमएसपी पर, कि उनकी एमएसपी पर कानून बनना चाहिए ताकि उनकी फसल का उन्हें सही से जो मुआवजा है, जो भी चीजें हैं वो उन्हें मिल सके। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फोपड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो तुसी। ये फोपड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या जा शरीर रहंदा, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तों यही है मेरी सेहत दा राज। इम्यूनिटी वधाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई चुस्ती फुर्ती ते जोश वधाउण लई तुसी भी अज ही शुरू करो एक्स प्लस मर्दाना कोर्स। कम ब्रेक, अ
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस दौरे से अमित शाह जहां जनता से संवाद करेंगे तो वहीं टीएमसी के असंतुष्ट कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की भी काफी ज्यादा संभावना है। इनमें पूर्व मंत्री और विधायक शुभेंदु अधिकारी का भी नाम शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा नहीं सौंपा है। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि उन्होंने टीएमसी विधायक को 21 दिसंबर को उनके चैंबर में पेश होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं है तब तक वो संविधान के प्रावधानों के मुताबिक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकते। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कदम रख दिया है। अब वो मिशन पूरी तरीके से तैयारी में लग चुके हैं आगामी चुनाव की, और इसी के साथ में गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए टीएमसी में हलचल काफी ज्यादा तेज है। और टीएमसी के कई सारे नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में टीएमसी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ में ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के कई नेता अब नाराज नजर आ रहे हैं। और गृहमंत्री अमित शाह का इसी बीच में दौरा काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो टीएमसी के जो नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह को लेकर तैयारियां हैं, वो जनता से संवाद करेंगे, और इसी के साथ में वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन सभी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों साफ तौर पर जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम है और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की जनता से संवाद करेंगे। इसी के साथ में कई क्षेत्रीय गांव हैं जहां पर वो जनता से मिलने के लिए जाएंगे, और इसी के साथ में वहां पर कार्यक्रम जो भी हैं उन सभी को लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी ना हो, क्योंकि इससे पहले जब जेपी नड्डा का दौरा था उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद से बीजेपी काफी ज्यादा सतर्क है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सभी तैयारी पूरी की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। और वहीं गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन को देखते हुए, इस दौरे को देखते हुए टीएमसी की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी के कई नेता ऐसे हैं जो कि नाराज हैं, और हो सकता है कि आज इस कार्यक्रम में वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। और जैसे ही टीएमसी के बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया था और नाराजगी जताई थी, उसके बाद से ये अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। और इसी के साथ में गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, और थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा। और इसी के साथ में इस पर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नेपाल सिंह जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है और आज वो संबोधित भी करने वाले हैं जनता को, क्या कहना चाहेंगे, क्या मायने रखता है ये दौरा उनका? देखिए, भाजपा की जो रणनीति होती है वो एक युद्ध की तरह होती है। वो राजनीतिकों की एक युद्ध की रणनीति के तहत ही अपनी पूरी तैयारी करती है। इस पूरे प्रकरण में भाजपा ने तीन बड़े अहम संकेत दिए हैं। पहला संकेत ने दिया कि जो अधिकारी बहुत ममता बनर्जी से डर चुके थे या उनके कंट्रोल में आ चुके थे, उनको एक सिग्नल दिया कि यदि आप लोग अपने कानून व्यवस्था में या उसमें कोई ढिलाई बरतेंगे तो आपको पनिशमेंट के रूप में दिल्ली वापस बुलाया जा सकता है। वो वापस आए नहीं, लेकिन एक भय पैदा कर दिया गया अधिकारी के मन में, ताकि वो थोड़ा संतुलित होकर काम करें। गवर्नर से चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं करने पर हम और भी अधिक ठोस कदम उठा सकते हैं। दूसरा उन्होंने किया
कि जो मुख्य विपक्षी दल थे वो इकट्ठे ना हो जाए, वो इकट्ठे होकर अपनी एक स्ट्रेटजी ना बनाए, उनको यहाँ किसान आंदोलन उलझा दिया। कांग्रेस अपने किसान आंदोलन उलझी बैठी है, बाकी विपक्षी दल यहाँ बैठा है और उधर जाने की किसी के पास अब न ताकत है न क्षमता है। अब बची अकेली ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को उन्हें डिस्टर्ब किया इस बात को लेकर कि उनके बहुत सारे प्रभावशाली नेता उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। और ये ममता बनर्जी का बयान और उनके स्पीकर का बयान ये दर्शाता है, यदि वो ताकतवर थे तो उनको फिक्र नहीं करना चाहिए कि शिवेंद्र अधिकारी जी कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनका बयान लेने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये दिखा रहे वो कहीं ना कहीं विचलित है और जो मिस्टर अधिकारी है उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है ममता को यहाँ लाने में। तो वो हलचल एक टूटेगा, दस टूटेंगे, वो आज टूटेंगे या कल टूटेंगे इस पर तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन टूटेंगे और वो यही प्रक्रिया के साथ अपनी एक हवा बनाएंगे कि हम एक मजबूत तरीके से युद्ध लड़ने के लिए आ चुके हैं। तो नेपाल जी, ममता सरकार की काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सामने ममता सरकार क्या टिक पाएगी अगले चुनाव में? बिल्कुल बीजेपी इसको युद्ध की तरह ले रही है और बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक तरीके से बहुत बड़ी तैयारी करी है, उसने अपने आईटी को बहुत तैयार किया है, उसने बूथ लेवल पे बहुत काम किया है। ममता के पास कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो इनकैश करके दिखा ले कि मैंने ऐसा किया था। तो देखिए, मुख्यमंत्रियों को बहुत सारे कामों से भी जाना जाता है, जैसे यूपी में यदि दे तो कहेंगे योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ठीक किया है, लेकिन वहां ना लॉ एंड ऑर्डर हुआ, ना किसान ठीक हुआ, ना उद्योग गए, ना रोजगार बढ़े, बस सिर्फ एक अराजकता बढ़ी। अराजकता पहले लेफ्ट की गवर्नमेंट में भी थी, आज ममता गवर्नमेंट में भी है, लेकिन जब डिविजन ऑफ वोट होगा तो ज्यादातर डिविजन वोट जो हिंदू मुस्लिम में होकर जाके जब चुनाव होगा तो भाजपा एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से जीत की ओर बढ़ रही है। तो सर, आपको लगता है क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी ममता पर मुश्किल आती है या फिर कांग्रेस पर मुश्किल आती है तो फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ममता से कांटेक्ट करते हैं और ममता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कांटेक्ट करती है, तो क्या इस मुश्किल में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का ममता को साथ मिल पाएगा? देखिए, यही एक स्ट्रेटजी है पूरी भाजपा की कि उसने कांग्रेस को इतना लाचार कर दिया कि उसको ये समझना उसको करना क्या, वो किसान आंदोलन में उलझे, वो बंबई केस में उलझे, या वो अपने आंतरिक झगड़े में उलझे। अब सोनिया गांधी कह रही है कि मैं 20 व्यक्ति से मिलूंगी, उसमें से इनसे मिलूंगी, इनसे नहीं मिलूंगी। कांग्रेस के पास ना कोई नेतृत्व है, ना कोई सोच है, ना कोई उसकी प्लानिंग है। तो जब शीर्ष नेतृत्व के पास कोई प्लानिंग नहीं तो वो ममता को क्या सपोर्ट करें, जो खुद ही सपोर्ट चाह रहे हैं दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे? सर, ये भी है कि इसी बीच में जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, एएमएम चीफ हैं, वो भी इस चुनाव में हो सकता है कि वो शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि वो बंगाल में जाने वाले हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है बंगाल में? मुख्य प्रॉब्लम यही ममता की है कि यदि 5% वोट भी जो है ओवैसी के साथ चले गई और 10% वोट जो हिंदू की थी उसके साथ जो पिछली बार उसको मिली थी वो भाजपा के साथ चली गई, तो उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम यही है कि यदि ओवैसी के साथ 5% मुसलमान वोट चली गई और उसकी हिंदू वोट भाजपा के साथ चलेगी तो फिर वो वहां अस्तित्व तो बचा ही नहीं पाएगी। तो सर, जिस तरीके से अभी बंगाल में जो भी अराजकता का माहौल है, वहां पर काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, काफी सारा वहां के स्थानीय लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, अगर बीजेपी की वहां पर सरकार बनती है तो क्या बीजेपी इतने समय से चली आ रही इस नीति को बदल पाएगी? नहीं, देखिए, वहां का एक मॉड्यूल पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता ने इस बात को महसूस किया कि जो बदलाव उन्होंने लेफ्ट सरकार को करके ममता को लेकर आया था उसमें कोई ज्यादा फर्क उन्होंने महसूस किया। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी इतना उग्र नहीं होता सिवाय एक वो हिंदू धर्म पर जाने के, अदरवाइज वो रोजाना के कार्यों में कहीं उग्रता नहीं दिखाता। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब भाजपा की लीडरशिप एक बहुत बैलेंस्ड लीडरशिप होती है, उसमें शीर्ष नेतृत्व से ऐसा कोई समर्थन नहीं जाता कि आप अराजकता फैलाइए, आप कमीशन मांगिए, आप कर वसूली, ऐसी प्रथा भाजपा के अंदर नहीं है और शायद यही एक आकर्षण भाजपा के प्रति और बंगाल के लोगों का है कि शायद हमारा विकास, जब सब लोग विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास भी होगा, हमको भी सेंटर से पैसा ज्यादा मिलेगा। बहुत दिन लेफ्ट का शासन देख लिया, बहुत दिन ममता का देख लिया, एक बार भाजपा को भी देख लेते हैं। तो नेपाल जी, बीजेपी का हमेशा ये छवि रही है कि वो हिंदुओं को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, तो क्या लगता है कि वहां का जितने भी जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो उनका समर्थन बीजेपी को मिल पाएगा? देखिए, अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी एक ही गलती वो कर रहे हैं पूरे पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण में, चाहे उनके नेता है चाहे खुद लोग हैं, उनकी अति उग्रता हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए बाध्य करती है। हिंदू उग्र नहीं है, ना वो इकट्ठा होना चाहता ना वो उग्र होना चाहता, लेकिन उनके नेताओं के उग्र बयान
उनके कुछ लोगों के उग्र कार्य एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसमें भाजपा को एक बहुत सेफ पैसेज मिल जाता है आगे बढ़ने के। और सर ये भी बात थी कि जब हाल ही में जब कृषि कानूनों को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, ममता बनर्जी ने भी कोशिश की थी, उन्होंने बंगाल में एक यात्रा निकाली थी अपने सभी टीएमसी के नेताओं को लेकर, लेकिन अब वो इस मामले में कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये आप दोनों जगह देखे ना, ममता क्यों देख रहे हैं, आगे आंदोलन चलाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आज अमरिंदर सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया बादल ने। लगता है बादल कल को फिर चुनाव जीतने के बाद फिर भाजपा के साथ आकर बैठ जाए। देखिए पूरे कहीं दृष्टिकोण में भाजपा की एक ही नीति नजर आती है, जितना मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण बैठता है कि किसी भी तरीके से पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत बना जी, बिल्कुल इसकी ओर बढ़ रही है जी। चाहे उसको कोई भी समझौता करना पड़े, क्योंकि वो ये मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठा नहीं हो पाएंगी, उनके अपने अलग मुद्दे होते हैं, अलग मकसद होते हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले एक सबसे बड़े राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस है उसको खत्म करना चाहती है। बिल्कुल, और ये भी बात है सर, नेपाल जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसी के साथ में अब अमित शाह का जो दौरा है उसको लेकर भी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।